लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आ रही है मिस मोनिका। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैन। नहीं मोर्निंग है, थैंक यू। अरे चाय है, जहर थोड़ी है। मिस्टर जयंत आठेकर, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। Why? 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 नहीं। How? And that's how. अकेला पीने का नहीं, साथ में हगने का। That bitch is blackmailing me also. तो आ क्या? Accounts department के साथ कौन अफेयर करता है? Hey Jay, accounts को कम मत समझ। सिर्फ एक रास्ता। एसीपी नायडू का रास्ता। मर्डर की बात करें तो जी काटूंगा। पानी में दाल तो क्या, पानी में डालेंगे तो बॉडी में छेद करना पड़ेगा वरना फ्लोट होगी। फिजिक्स अच्छी होती है, सीरियल किलर नहीं हूं मैं। मर्डर के टाइम पे कहाँ था? कितने बजे हुआ मर्डर? तुम तो अच्छे लोग। तेको क्या लगता है? हाँ, तू टैलेंटेड है। टैलेंट नहीं, तेरा स्टोरी अच्छा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी आपने जो ट्रेलर देखा वो राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी मोनिका ओ माय डार्लिंग है। ये एक मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और डार्क कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका मेन लीड रोल में नजर आने वाली हैं। राजकुमार राव की अभी कुछ ही अरसा पहले मूवी हिट आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी, और उनके साथ हुमा कुरैशी जिनकी हाल ही में महारानी वेब सीरीज को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। अब देखते हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री और डार्क कॉमेडी फिल्म में राजकुमार राव और हुमा कुरैशी क्या नया करने वाली हैं। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि मूवी में एक मर्डर हो जाता है जिसमें मर्डर यानी कि लाश को छुपाने की जिम्मेदारी राजकुमार राव पर आती है क्योंकि शायद कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में जो चीज़ क्रिएट हो रही है यानी कि सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी का तड़का लगाया जा रहा है। फिल्म में राधिका को एक इन्वेस्टिगेशन अफसर के रूप में दिखाया गया है और राजकुमार हर बार की तरह बेचारा फंस जाता है, वैसा ही उनका इसमें कैरेक्टर होने वाला है। फिल्म में हुमा कुरैशी का रोल काफ़ी चालाक शातर टाइप का लग रहा है जो कि शायद राजकुमार को इस मर्डर मिस्ट्री में फंसाती है। अब इनका राजकुमार के साथ क्या रिलेशन है ये तो 11 नवंबर को फिल्म देखकर ही पता लगेगा। तो व्यूअर, ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इसका कंसेप्ट काफ़ी यूनिक होने वाला है। आपकी इस मर्डर मिस्ट्री के बारे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।